नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा BPSC के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर BPSC ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर वन भाषा अर्हता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर टू सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड में सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखें, जैसे कि बिहार एक अवलोकन, समसामयिकी, पेपर वन भाषा अर्हता में इंग्लिश के विभिन्न टॉपिक, हिंदी भाषा के विभिन्न टॉपिक, और पेपर टू के लिए सामान्य अध्ययन में मानसिक क्षमता परीक्षण के विभिन्न टॉपिक को शामिल किया गया है। और भारतीय इतिहास में देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न टॉपिक को, भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है, विश्व का भूगोल को जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किए गए हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में भारतीय संविधान के विभिन्न टॉपिक को शामिल किया गया है, और सामान्य विज्ञान में देखें तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है, प्रारंभिक गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। आज बिहार एक अवलोकन के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। देखते हैं, बिहार का नामकरण देखा जाए तो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण तुर्कों ने इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा और इसे बिहार शरीफ नाम दिया, जो कालांतर में बिहार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और बिहार के बारे में सामान्य परिचय देखें तो स्थापना कब हुई थी, तो बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को, और राजधानी पटना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश में है। अगर बिहार का देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। और क्षेत्रफल देखा जाए बिहार का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, और बिहार का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.86% जो है बिहार के पास है। और देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण और छोटा ज़िला जो है शिवहर है, और शिवहर का ही जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है बिहार के ज़िलों में। और बिहार को अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में देश में जो है 12वां स्थान है बिहार का। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष हैं, और राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, और राजकीय खेल बिहार का जो है क्या है, कबड्डी है। और उसके बाद देखें भौगोलिक परिचय, तो बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर देखेंगे तो 345 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बिहार का देखेंगे तो 483 किलोमीटर हैं, और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई देखेंगे तो 53 मीटर या 173 फीट हैं। अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे
तो ये बिहार के, ये जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है बिहार। अगर सीमाओं की बात करेंगे तो बिहार की सीमा जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड के साथ हैं। बिहार की जलवायु मानसूनी है, सर्वाधिक गर्म स्थान बिहार का गया है और सर्वाधिक ठंडा स्थान भी बिहार का गया ही है। अगर औसत वर्षा बिहार का देखा जाए तो 112 सेंटीमीटर है और सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला किशनगंज है, न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला औरंगाबाद है। कुल वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो 6845 वर्ग किलोमीटर हैं और कुल भूमि का प्रतिशत देखा जाए बिहार का तो 7.27% हैं। और उसके बाद वनों का प्रकार देखें तो यहाँ पर पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र बिहार का अगर देखा जाए तो 45.67 लाख हेक्टेयर है और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला ज़िला शेखपुरा है 82%, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला ज़िला जमुई है 16%। कुल सिंचाई में कितना प्रतिशत कौन सा भाग है तो नलकूपों एवं कुओं के द्वारा जो है 63% सिंचाई होती है बिहार में, और उनके अन्य अलावों में देखा जाए तो नहरों से 30%, तालाब एवं अन्य साधनों से 7%। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56,94,642 हेक्टेयर यानी कि 60.48%। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर। अब जननांकीय परिचय को देखते हैं बिहार में। कुल जनसंख्या बिहार का 10,40,99,452 है और देश के कुल जनसंख्या का 8.58% जो है बिहार में है और देश के जनसंख्या के क्रम में बिहार का स्थान तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर बिहार का है। बिहार में पुरुष जनसंख्या देखा जाए तो 5,42,78,157 है, महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है। अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो 2001 से 2011 के दौरान बिहार में 25.4% रहा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्षों में 2001 से 2011 के दौरान मधेपुरा का रहा 30.65%। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि गोपालगंज का रहा 18.83%। जनसंख्या घनत्व में देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर आता है और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला शिवहर है, 1880 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कैमूर है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर राज्य में लिंगानुपात देखा जाए तो बिहार राज्य का लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और उसके बाद देखा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला बिहार का तो वो है गोपालगंज, 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला मुंगेर है, 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर बिहार का देखा जाए तो 61.8% हैं और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। और साक्षरता दर के अनुसार देश में बिहार का स्थान 36वां है। उसके बाद देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास है जो कि 75.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला पूर्णिया है, 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला सहरसा है। अगर बिहार का बाल लिंगानुपात देखें, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात 935 है प्रति 1000
बालक पर 935 बालिकाएं। मातृ मृत्यु दर देखा जाए तो 371 प्रति हज़ार है और कुल प्रजनन दर 4.2 प्रति हज़ार है। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हज़ार है और जीवन प्रत्याशा पुरुष का बिहार में 61.6 वर्ष, जीवन प्रत्याशा महिला का देखा जाए तो 59.7 वर्ष है। उसके बाद राजनीतिक परिचय को देखें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में और प्रमंडलों की संख्या देखा जाए तो बिहार में 9 प्रमंडल है। पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण, तिरहुत। जिलों की संख्या बिहार में 38 है और अनुमंडलों की संख्या 101 हैं। प्रखंडों की संख्या 534 हैं। राजस्व गांवों की संख्या 45,103 हैं और महानगरों की संख्या 1 हैं। पंचायतों की संख्या 8,471 हैं। पंचायत समिति 534, जिला परिषद 38 हैं। नगर निगम देखा जाए तो 10 हैं नगर निगम बिहार में और नगर परिषद 42 हैं, नगर पंचायत 87 हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या 13 हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 हैं और विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 हैं, 242 प्लस एक एंग्लो इंडियन को लेकर। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या, विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 हैं। बिहार में शासन पद्धति को अगर देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद हैं। राज्य में अगर प्रथम देखा जाए तो राज्य के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा के अध्यक्ष बने तो बलिराम भगत थे, जो कि पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में 1976 से 1977 तक कार्य किए थे। 5 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक। प्रथम राज्यपाल बिहार का देखा जाए तो जयराम दौलत राम थे, जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल। और देखा जाए तो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार के कौन थे तो जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह और प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। उसके बाद देखा जाए तो प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, प्रथम महाकवि विद्यापति, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति स्वर्गीय रणधीर वर्मा, बोधगया में बौद्ध मंदिरों का निर्माणकर्ता समुद्रगुप्त, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तो रामधारी सिंह दिनकर थे, उर्वशी के लिए इन्हें मिला था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितेशी 1832, प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ये थे सर्च लाइट, और प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, और प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर। अन्य टॉपिक को देखा जाए तो राज्य के प्रतीक चिन्ह में बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष जो है क्या है तो राजकीय वृक्ष पीपल है बिहार का। उसके अलावा देखा जाए तो राजकीय पुष्प कचनार है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर हैं, इंडियन रोलर बोला जाए तो नीलकंठ बिहार का राजकीय पक्षी हैं और जिसे इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है। और राजकीय पशु गौर है मिथुन। बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो प्रतीक चिन्ह दो स्वास्तिक से घिरे बौद्धि वृक्ष को दर्शाता है, दो स्वास्तिक चिन्ह से घिरे हुए बौद्धि वृक्ष को दर्शाता है। अगले टॉपिक की बात करेंगे तो बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य है। बिहार विहार का परिवर्तित रूप है, बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम विहार पड़ा जो बाद में बिहार हो गया। विहार का अर्थ शिशुओं का आवास भी होता है। तबकात ए नासिरी तथा
कीर्ति लता में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। प्राचीनकालीन इतिहास बिहार के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साहित्यिक यात्रा वृत्तांत व अन्य देशी स्रोत उपलब्ध हैं। बिहार से पुरातात्विक सामग्रियों के ऐसे स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं जिनसे बिहार के संदर्भ में अध्ययन को एक निश्चित दिशा मिली है। बिहार के इतिहास के स्रोत अगर देखेंगे तो बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिलों से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व में 1 लाख ईस्वी पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूर्व पाषाण युगीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्यवर्ती एवं परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन 4000 से 10000 ईस्वी पूर्व अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद सारण चेचर वैशाली से प्राप्त हुए। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के बने औजार शामिल हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। ताम्रपाषाण युग के अवशेष चिरांद सारण चेचर वैशाली सोनपुर गया मनेर पटना से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाणकालीन औजार कुल्हाड़ी चाकू आदि मुंगेर के भीम बांध एवं गया के जेठियव से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा युगीन काले एवं लाल मृदभांड के अवशेष सोनपुर गया चिरांत सारण से प्राप्त हुए हैं। लौड़िया नंदनगढ़ लौड़िया अरेराज रामपुरवा इत्यादि स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख तथा काफ़ी मात्रा में गुप्तकालीन सिक्के एवं आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। वह रचनाएं जो बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है प्रमुख पुस्तक एवं लेखक हैं। तो लेखक मिन्हास उस सिराज पुस्तक हैं तबकात ए नासिरी इस्वतसान दहलवी बसातिनुल उन्स शेख कबीर अस अफसानाए जहां और उसके बाद देखें अब्बास खां शेरवानी तारीख़ शेरशाही रिजकुल्लाह वाकियाते मुस्ताखी गुलाम हुसैन सलीम रियाज उस सलातिन गुलाम हुसैन लबाबाई सियर उल मुखारवेरिन जियाउद्दीन वर्नी तारीख़ फिरोज शाही अबुल फजर अकबरनामा बाबर तुजुके बाबरी मिर्जा नायन बहारिस्ताने गैवी विद्यापति कीर्ति लता कीर्ति पताका ज्योति ज्योति रिश्वर वर्ण रत्नाकर चंदेश्वर रजनीरत्नाकर। साहित्यिक स्रोतों में बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। रामायण महाभारत पुराण के अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय दीर्घ निकाय विनय पिटक जैन रचनाएं, भगवती सूत्र इत्यादि भी बिहार के संदर्भ में विवरण के प्रमुख स्रोत हैं। विदेशी यात्रियों में मेगा अस्थनिज फाहियान फैनसोंग एथसिंग प्राचीन बिहार के संबंध में काफ़ी जानकारी देते हैं, जबकि रॉल्फ फिंच एडवर्ड टैरी जॉन मार्शल पीटर मूडी ट्रेबिनियर एवं बिशप हैबर मध्यकालीन बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और प्राक इतिहास के बारे में देखें बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर बने हुए औजार मिले हैं। पुरापाषाण काल के औजार मुंगेर पटना गया के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भीम बांध मुंगेर जेठियब गया से भी प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। चिरांद एवं सोनपुर गया से काले एवं लाल मृदभांड के हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। इस तरह के प्रमाण ओरियम भागलपुर राजगीर एवं वैशाली से भी मिले हैं। यहां से मिले प्रमाण कार्बन डेटिंग के अनुसार 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक के ज्ञात होते हैं। तो प्रिय साथियों बगैर देर किए हुए जल्द ही चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं
दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।